दोस्तों बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए अब आप अपने फोन में फास्ट चार्जिंग इनेबल कर सकते हो। बस आपको अपने फोन में कुछ हिडन सेटिंग है जिसे बंद करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका फोन 5 मिनट में इतना ज्यादा चार्ज हो जाएगा कि आप अपने फोन को 5 घंटे कंटिन्यूअसली चला सकते हो। मतलब कि इतना तेजी से आपका फोन चार्ज होगा कि दोस्तों 30 से 40 मिनट में ही फुल हो जाएगा। आज जो सेटिंग बताने वाला हूँ ये दोस्तों आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी जो आपके फोन के अंदर दिया होता है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपने फोन में बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए फास्ट चार्जिंग इनेबल करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी हिडन सेटिंग जो आपके फोन के अंदर है जिसे अगर आप कर लेते हो तो आपके फोन में फास्ट चार्जिंग इनेबल हो जाएगी। तो सिंपली गाइस सेटिंग ऑन कर लो एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है डिस्प्ले वाली सेटिंग के अंदर। डिस्प्ले के अंदर दोस्तों कई ऐसी हिडन सेटिंग होती है जिससे हमारा फोन काफी स्लो चार्ज होता है। अगर वही सेटिंग आप कर लेते हो तो आपका फोन दोगुनी तेजी से चार्ज होगा। अब सबसे पहली सेटिंग दोस्तों यहाँ पे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है जो होता है दोस्तों डार्क थीम। इसे बहुत ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, इसे बंद करके रखते हैं, लेकिन आपको नहीं पता दोस्तों अगर आप डार्क थीम पे कर लेते हो तो इससे दुगनी आपके फोन की बैटरी भी बचती है एंड दुगनी तेजी से आपके फोन का बैटरी चार्ज भी होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है जिसे आपको जरूर से अपने फोन में ऑन कर लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है। नीचे जाओगे तो यहां पे स्क्रीन रिजोल्यूशन होता है। ये दोस्तों मोस्टली लोगों का एकदम हाई पे होता है। जितना ज्यादा हाई होता है ना दोस्तों उतना स्लो आपका फोन चार्ज होता है। तो इसे आपको कम कर देना है, 1080 के ऊपर इसे आपको सेट कर देना है। इसके ऊपर अगर आप सेट कर देते हो तो ऐसे में अगर आप चार्जिंग में लगा के अपने फोन को यूज कर रहे हो ना तो ऐसे में आपका फोन दुगनी तेजी से चार्ज होगा। यहां तक कि बहुत बार आपने देखा होगा जब हम फोन को यूज करते हैं चार्जिंग में लगा के तो बहुत ही स्लो चार्ज होता है एंड बहुत ज्यादा हीट होता है। तो वो इश्यू दोस्तों नहीं आएगी अगर आप ये वाली सेटिंग कर दोगे। उसके बाद यहीं पर दोस्तों आपको नीचे जाना है। यहां पर आपको स्क्रीन का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है जो कि स्मार्ट स्विच के ऊपर होता है। तो इसे दोस्तों आपको घटा के चार्जिंग के समय 60 पे कर देना है। जहां दोस्तों जितना कम ये रहेगा इससे आपका फोन दुगनी तेजी से चार्ज होता है। आपको बता दूं दोस्तों ये जो रिफ्रेश रेट होता है ना इससे आपके फोन की बैटरी बहुत ही जल्दी खत्म होती है। अगर आप इसे 120 पे कर दोगे तो आपके फोन की बैटरी जहां पे 5 घंटे चलने वाली होती है वहां पे 2 ही घंटे में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप 60 पे कर दोगे ना जहां पे आपके फोन की बैटरी 5 घंटे चलने वाली थी वहां पे 10 घंटे चलेगी। सोचो गाइस, तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है आपके फोन की बैटरी लाइफ के लिए। तो हमेशा दोस्तों आप इसे लो पे करके रखो एंड जब आपको जरूरत है तब आप इसे स्मार्ट स्विच पे कर सकते हो या फिर 120 हर्ट्ज पे कर सकते हो जब आपको जरूरत है तब, नहीं तो आप दोस्तों इसे लो के ऊपर करके रखो। तो यहां पे दोस्तों डिस्प्ले के अंदर आपको टोटल 3 सेटिंग करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको आना है नीचे, आपको एप्लीकेशन वाला एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों आपके फोन के जो सभी एप्लीकेशन है ना वो यहां पे आ जाएंगे, आप यहां पे देख सकते हो। अब होता क्या है दोस्तों जब हम अपने फोन को चार्ज में लगाते हैं ना तो उसी टाइम दोस्तों हमारे फोन की ये जो एप्लीकेशन है इनके अंदर पता नहीं क्या होता है ये हमारे फोन के में मतलब कि बैकग्राउंड में ना बहुत सारे काम करते हैं जिससे हमारा फोन बहुत ही स्लो चार्ज होता है। तो वही चीज इन्हें काम करने से रोकना है, बैकग्राउंड में ये कोई काम ना करें जिससे हमारा फोन दुगनी तेजी से चार्ज हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है बैटरी वाले ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए एंड इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्टेड दिया है ना इसे बस आपको ऑन कर देना है। इसके ऊपर सिलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये एप्लीकेशन आपके फोन के बैकग्राउंड में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। जो भी एक्टिविटी होगा जब आप करोगे तभी होगा, मतलब कि बैकग्राउंड में कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो इससे दोस्तों फायदा ये होगा कि जब आप अपने फोन को ऐसे बंद करके भी चार्ज में लगाओगे ना तो आपका फोन पूरा का पूरा जो फोकस है वो चार्ज में देगा। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिट वाली सेटिंग है। तो इसे जरूर से जरूर आप अपने फोन के अंदर कर लो। ये दोस्तों मैंने एक एप्लीकेशन का बताई है, ऐसे आपको ये जो सभी एप्लीकेशन दिख रहे हैं ना उन सभी एप्लीकेशन के साथ करना है, तभी जाके दोस्तों आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये हो गई गाइस हमारे फोन की 4th सेटिंग। अब दोस्तों आज की मैं आपको लास्ट सेटिंग बताता हूं जो आपके फोन के डेवलपर ऑप्शन के अंदर मिलेगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको आ जाना है सिस्टम सेटिंग के अंदर। यहां पे आप देख लीजिए ये है हमारे फोन का डेवलपर ऑप्शन। ये अगर आपको नहीं पता कहां पे होता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ये आपके फोन के अबाउट सेक्शन में बिल्ड नंबर पे 7 टाइम टैप करोगे ना तो ये जो सेटिंग होती है ये ऑन हो जाती है। अब यहां पे आने के बाद दोस्तों मैं आपको हिडन सेटिंग दिखा देता हूं जो आज की आखिरी है एंड सबसे ज्यादा बोल सकते हो यूजफुल सेटिंग है। यहां पे दोस्तों आप देख लीजिए ये रही डोंट कीप एक्टिविटीज। जी हां दोस्तों ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है सभी फोन में, बस इसे आपको ऑन कर देना है। अब दोस्तों आपके फोन
में फास्ट चार्जिंग इनेबल हो चुका है। अब दोस्तों आप अपने फोन को ना फास्ट चार्ज करना चाहते हो, अभी आप देख लीजिए कितना परसेंट चार्ज है, 50% चार्ज है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपके सामने फोन को चार्ज लगाता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा फोन है 50% अभी भी, एंड आप यहाँ पे टाइमिंग देख लीजिए कितना टाइमिंग हो रहा है, 4:34 हो रहे हैं। जस्ट दोस्तों हम यहाँ पे आपसे 1 मिनट मांग रहे हैं, 1 मिनट दीजिए एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कितना परसेंट चार्ज हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए 1 मिनट हो गया है, 4:35 हो गए हैं और फोन कितना चार्ज हो गया है, 54%, यानी कि 4% चार्ज हो गया है 1 मिनट के अंदर, 60 सेकंड के अंदर 4% चार्ज हमारे फोन हो चुका है। आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया, टाइमिंग भी आप देख लीजिए एंड बैटरी कितना चार्ज हुआ है वो भी आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो, बैटरी यहाँ पे 55% हो गया है एंड यहाँ पे 1 ही मिनट है, यानी कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड के अंदर आपका फोन 5% तक चार्ज हो जाएगा। सोच रहे होगा इस 5%, यानी कि 2 मिनट में ही 10% आपके फोन का जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगा अगर ये सेटिंग आप अपने फोन में अप्लाई करते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग मैंने आपको बताई है, एक बार जाके दोस्तों आप अपने फोन में जरूर से जरूर ट्राई करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।